हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग्स। मैं एक हफ्ते दो हफ्ते हो गए आई थिंक मैं पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिजी। अभी मैं पेरेंट्स के पास आई हूँ, सो आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम विद देम। एंड कल हम वापस भी जा रहे हैं, सो आई थॉट आज थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं। तैयार हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं, रोज सोचते हैं 2 बजे तक निकल जाएंगे पर 4 बज गए अभी तक नहीं निकल रहे हैं। ये बंदा अब शेव कर रहा है, पापा इको टाइम है शेव करने का। ये अभी इनकी 3 बजे शेव कर रहा है, अभी लग रहा है इनको कि इनको सुंदर दिखना है। ये बंदी गंजी हो गई है, बकवास मत कर। इस बंदी का स्टॉकिंग खरीद के दी है क्योंकि इनकी टांगों में दर्द होती थी और ये बंदी कभी नहीं पहनती है, आज पहन ली है इसने तो इतनी दुखी हो रही है। ओ भाई ये उतर, हाँ तो उतरेगा ये, आपको सिर्फ गुड्डे का बोल रहा था ना पहनने को, आपने जो ऊपर तक चढ़ा ली। अब 2 मिनट हुए नहीं, उतर गया उतर गया। चुपचाप पहननी है ये, ठीक है ना, गंदी शक्ल में थोड़ा हो। जो लोग चंडीगढ़ रहते हैं उन्होंने ये डीकैथ वाला स्टोर तो विजिट किया ही होगा जीरकपुर में। मुझे तो काफ़ी मतलब दिल्ली में भी है बट यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि ज़्यादा वैरायटी है, ज़्यादा अच्छा है। एंड वहाँ से मैंने भी कुछ चीज़ें ली। इट्स गुड इफ़ यू विजिट चंडीगढ़ तो एक बार जीरकपुर वाला डीकैथ एक्सप्लोर करना, अगर आप थोड़ा फिटनेस में हो और वैसे ही स्पोर्ट्स वाले कपड़े लेते हो तो इट इज़ रियली गुड, आई वुड रिकमेंड। तो गाइस बताइए, शर्ट अंदर रखें, शर्ट अंदर रखूंगी बाहर? ब्लॉग आएगा 3 दिन पहले पर मैं आज पूछ रही हूँ अंदर या बाहर। बाहर मेरी मम्मी का प्यार है, हमें अचार दे। मम्मी और बहन का मैंने भी हेल्प कराई थी, इसने मसाले पीछे, ठीक है ये हमें दिल्ली हम ले जाएंगे सब। नेक्स्ट टाइम ये खुद बनाएगी क्योंकि इसको आगे है बनाने, बनाना मैंने सिखा दिया, बनाया मैंने पहले, इसको खिलाए तो हैं इचार। बोलना बोलती क्यों नहीं, खाया है पटेल नगर वाले टाइम पे, उसके बाद ये भूल गई, सूख जाएगा ये तब तक। और ये अवतार प्रोटीन, बस मेरे कूपन कोड से खरीदो एनी अवतार से। ये इतना टाइम लगाती है, 4 बज गए आज भी, 4। चलो बोतल डाल, हम चलते हैं क्योंकि हमें गालियां नहीं खानी है, हम सबसे पहले चलेंगे। इनकी वजह से लेट हो रहा है, अगर पापा भी ब्लॉग देखेंगे बाद में तो इन दोनों की वजह से। अलीजा की मम्मी ने कहा था जब भी घर से निकलो तो सुसुअर के निकलना चाहिए। अलीजा जो देखती होगी ना इसकी ब्लॉग, मेरे ब्लॉग कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत प्यारे लोग देखते हैं। लेट्स गो, देखो इनका मोबाइल लाइव है, ये लो मोबाइल। सबसे लेट बंदी तो हमेशा लेट होती है, और मैं जो बोल रही हूं ये अभी तो बड़े लीजा की मम्मी के रूल फॉलो कर रही है। ऐसे क्यों आ गया, दैट वाज अ पावरफुल स्नीज, छूटे ही रहने थे। जीरकपुर का कॉस्मो मॉल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के था आपको उस तरफ से लेके जानी चाहिए, आप इधर क्यों? और मेरे पापा ये रॉन्ग साइड से चले हुए हैं, उधर से जानी चाहिए थी, साइड की सड़क है ना, साइड की सड़क सब आ गए, हाँ तो उधर ही जाएंगे ना, आपको उधर से साइड साइड से लेके जानी चाहिए थी। आप गलत साइड से चल रहे हो बेटा, आपको उस तरफ को चलना चाहिए, अगर आप गलत भी चल रहे हो तरफ को चलना चाहिए, यहाँ से क्यों चल रहे हैं इतनी स्पीड में चले हुए हो आप, तो गलत प्रेशर उससे स्पीड से आएंगे, अब राइट तरफ नहीं चलना चाहिए वो ही तो। चल चलो आप कुछ कोई बात है, चल ये साथ देने वाली पूरा तड़का गंदे काम में इन्होंने बिगाड़े इतने, ओ भाई मैंने थोड़ी इसको पैदा किया है, साइड की सड़क है साइड की, सही बात है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा कौन सी गाड़ी, जिमनी, जिमनी आपको नीचा दिखाते हैं, पापा को ना गाइड किया कर, सबसे आगे बैठ गई है, उस बेचारे को पता नहीं है क्या करना है, पता होता नहीं, ऐसे मिस गाइड करती रहती है, ऊपर की नहीं नहीं चढ़ेगी, अभी उसने उतारी है तो आपकी नहीं चढ़ेगी भाई, दूसरी गाड़ियां हैं, गाड़ी अभी हो सकती है ना, उनकी हमारी नहीं चढ़ेगी क्या, आप लोगों के भी इतनी कंफ्यूजन होती है पार्किंग लगाने में, मेरे पापा के साथ बहुत होती है, फिगर आउट करते रहते हैं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, चुप रहे बंपर लग जाएगा नीचे, हाँ नहीं ये देखो लग गया ना, स्पीड से चढ़ानी होती है। अच्छा
गाड़ी के अंदर पर्ची छोड़ दी, तो पापा कह रहे हैं नहीं सेफ्टी होती है, हमें पर्ची लेनी है। मैंने कहा हाँ, इतनी ज्यादा गाड़ियों में, इतनी ज्यादा गाड़ियों में, लाखों लाखों की गाड़ियों में, या इनकी 50,000 की गाड़ी ले रहे कोई है। सो गाइस कमेंट करके बताइए आपके पेरेंट्स भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव, एक्स्ट्रा विजिलेंट। दोबारा बोलियो, प्यारी बंदी है। अभी क्या बोल रही थी तू, वो बोल। अरे इतने टोचे देती है मम्मी, उधर को चल। नहीं, इनको तिप्ती मार्केट में छोड़ के आओ, जाओ तुम। नहीं मिला ना वहाँ पे कोई कपड़ा तो पूछूंगी। इतना महंगा होता है तिप्ती मार्केट। ये कोई तिप्ती मार्केट है पता नहीं, मैं तो कभी आई नहीं हूँ। मम्मी बोल रही है अच्छी है, बताती हूँ आपको सही है कि नहीं। आई थिंक दिस इज एन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट है, कभी कभी होता है यहाँ पे कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए, बट आई डोंट थिंक सो, इट इज माई प्रेफरेंस। ओह वाओ, बेचारा दुखी सा लग रहा है मुझे। भाई हर कुछ महंगी मार्केट है, मतलब वो जो वैसा वाला होता है ना दिल्ली में, ऐसे जाता है 200-300 का, यहाँ पे यही ऐसा वाला 700-800। शोरूम से ना ले ले फिर हम। सो इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। कस्टमर इज द किंग एंड किंग नेवर बार्गेन्स, नो बार्गेन प्लीज। ओह माय गॉड, बिना खाने के घर से ले आए और खाने भी नहीं दे रहे। तेरे को फ्रूट काटने को बोला था, मैं क्यों काटूंगी, मैं तैयार हो रही थी। देखो मम्मी खाती रहती है, मम्मी खाती रहती है, देखो मेरी मम्मी। और बंदी बुरी, यहाँ पे खाना है 35 में खाएंगे क्या, एक का खाना है। यहाँ तगड़ी शॉपिंग चल रही है, मेरे पापा पूरा इंस्पेक्शन चल रही है इनकी, ठीक है कि नहीं, इतने पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। पूरा मेरे पापा खोल खोल के देखेंगे जूते को सही है कि नहीं। और अंकिता ये मैनेजर है मेरे पापा की आउटफिट्स की। मेरी मम्मी हर शोरूम में ऐसे बैठ जाती है शरीफ बन के। क्या सोई में मेरे पापा को इतने पसीने आ रहे हैं शॉपिंग कर। मार्केट घूमने के बाद दोबारा से शॉप में आए हैं पापा शूज लेने के लिए, और अब कोई और ही पीस रख करके बोले ये ठीक है, ये ठीक है। मम्मी तो आई नहीं, मम्मी ने इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्या लूं। स्टिल डिस्कसिंग ऑन द शू। अब मेरे पापा कह रहे हैं बड़ा है, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। और नाउ एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। एक चीज नोटिस किया हमने, मतलब हमें पता है जब लड़कियां वो करती है शूज ट्राई करती है, तो जो सेल्समैन होता है वो ठीक उनके शूज वगैरह उतार के लेसेस वगैरह खोल के खुद पहनाते हैं। यहाँ पे बंदों का सिस्टम देखो, बेचारे खुद खोल रहे हैं, खुद पहन रहे हैं। और यहाँ पे हर कुछ ही भारी भरकम डिस्कशन चल रहा है। दोबारा से शॉप पे हम वापिस आए हैं कोई 10-12 शॉप घूमने के बाद, बहुत दुविधा है। और ये पापा को पसीने आते हुए, कुछ पसीने। 34C में ये मार्केट है। हम एक बार यहाँ पे अपना सोफा लेने आए थे, और फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया ये जो बिहारी लाल जी इसके मोमोज। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे थे। अंकिता जैसे भाग रही है, इसको इतनी भूख लग रही है। भाई यहाँ के आप भी ट्राई करना, 34C बिहारी लालची पान वाले, इनके मोमोज वगैरह। एंड ये जो आई थिंक चाट शॉप है, इनकी टिक्की वगैरह बहुत अच्छी है। भूखे नंगे ये तीन भूखे लोग, आई एम नॉट भूखा, क्योंकि इन्होंने खा चुके हैं ये स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो खा चुकी हो ना तुम पहले? यस, हम पहले प्रबंध करके चलते हैं, मिले ना मिले। और इसमें नहीं उठानी पड़ेगी कोई इन दोनों के मुंह।
इनको भूख लगे भैया एक मोमो नानी ने भी रील डाली है ना माय ऑल टाइम हंगर भी लगी बट दिस इज अ गुड आउटलेट यू शुड ट्राई हमने एक बार किया था तो बहुत ज्यादा भीड़ है सैटरडे भी है तो इसलिए भूखे पड़ गए हैं लोग भूखे भूखे इनकी शॉपिंग तो ऐसी ही चलती रहेगी इनकी तो शॉपिंग चलती रहेगी ऐसे ही मैंने थोड़ा टाइम हो गया था कि आई डिड नॉट पोस्ट ऑन यूट्यूब तो जस्ट स्मॉल वीडियो टू शो हाउ इज़ माई लाइफ गोइंग एंड सून आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद अनदर ब्रांड Stay tuned with my Instagram so that I can tell you which brand I'll be sponsoring again. And please do buy products from that brand too because it's a good brand. So stay tuned with my Instagram. I'll keep you updated. Behind the camera, Ankita Bhatia. 34C में भैया की दुकान है entrance में जहाँ पे sweets है. ये Pottonics का एक showroom है. बाकी यहाँ से भैया से sleep फुटवेयर ले सकते हैं इट इज गुड मेरी मम्मी और बहन ने एटलीस्ट 3 या 4 पेयर ले लिए कॉस्मो हम वापस आ गए हैं ये हमारी मम्मी हमारे को सामान दे रही है हम वापस दिल्ली जा रहे हैं क्या क्या दे रही हो ये ड्राई फ्रूट अच्छा ये ड्राई फ्रूट्स ये अचार ये इतना डब्बा अचार का ये पंजीरी ये घी ये रात के लिए खाने को चिप्स चलो ठीक है ओके तो डालो बस हाँ जी नथिंग और क्या डाला ये जूते डाल दे जुराबे दे रही हूँ ठंडी में पहनने को हीटर भी ले जो काय जुराबे जितना ले जा सकते हो तो हम तो बोल रहे हैं तुम्हें मेरी मम्मी ने कुछ रंग बिरंगी हरी जुराबे अभी पहन रंग बिरंगी नहीं कपड़ा ही ऐसा था ऐसे ही ना कपड़ा वो नहीं मतलब धागा ये है मम्मी का प्यार मम्मी का प्यार मुझे घी है सबसे ज्यादा बड़ा प्यार जिसके लिए तुम्हें खाना पड़ेगा जो तुम लोग नहीं खाते हो और ये बंदी कोई काम नहीं करती है घर के बस बैठी रहती है और बस बैठी रहती है नहीं और मैंने अपना फेस वो करा स्किन केयर रूटीन हाँ अपना काम ही करती है ये अपना काम था पैकिंग तेरा नहीं था नहीं ज्यादा गंदी मत बन नहीं इसकी अगर मैं तुम्हारे को असली रूप दिखाने लग जाऊँ ना वो निकलो बस ये ऐसे बैठी रहती है घर वालों का कोई साथ नहीं देती है वहाँ पे वो बेचारे लगे हुए हैं कुछ ना कुछ मैं भी उनके साथ लगी हुई हूँ ये चिल कर रही है चिल कर रही है मैं अपना काम करके बैठी हुई फटाफट काम कर लेती हूँ तुम तो लगे रहते हो वीडियो बने अच्छी है सो इट्स टाइम टू स्लीप सुबह उठेंगे फिर दिल्ली जाएंगे जल्दी निकलना है और 12 बज गए हैं गुड नाइट Day 2. Already going back, baby. Baby. Ouch, ouch. तो इसके पास भी दे देती मुझे? ओ बंदी मैडम बन के जाती है रात को पता नहीं किसी ने पापा का गाड़ी का शीशा निकाल लिया है रियर व्यू का निकाल लिया है कि टूटा है वी डोंट नो पापा और असमंजस में है कि क्या किया जाए ही इज वेरी सैड एक घंटा और लगेगा अभी दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत थकान हो जाती है ट्रैवलिंग में फाइनली घर पहुंच गई हूँ बट आई हैव द कीज बट जो मेन जो गेट की है वो अंकिता के पास है और अंकिता ड्यूटी चली गई है अब उसकी साथ की एक स्टाफ मुझे
कीज ला के, मतलब ड्यूटी उनकी एंड हुई है, वो आ रहे हैं. शी फॉरगॉट टू गिव मी द कीज. आई एम वेटिंग. मजे ले रही हूँ नेचर के अभी, और क्या कर सकती हूँ. बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी लग रही है. मैंने तो जैकेट उतार दिया, तुम सामान उठा के लाइयो, तब गर्मी लग रही है. बट टू व्हाट, बहुत प्यास लग रही है, पानी भी नहीं है मेरे पास. विद दिस आई एंड माई व्लॉग. And please do like, share and subscribe to my channel. If subscribers बढ़ते हैं then you get more motivated to post more videos. And I'll try कि मैं वीक में भी एक वीडियो मिस ना करूँ. Soon I'll come with my another vlog. Take care.